ये अमेरिकन डसोटो का लोगो, ओरिजिनल इंटीरियर सारा, ओरिजिनल इंटीरियर है। हाँ जी ये अंकल। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों पहले तो आप सभी का थैंक यू जो कि आपने मेरे व्यूज 17,000 क्रॉस करवाए। बस गिला शिकवा इस बात का है कि 94% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आज चलो फोटो ब्लॉग से स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं आपके सामने फोटो ब्लॉग लेके आया हूँ थोड़ा सा। तो आज की वीडियो बेसिकली अमेरिकन डेसर्टो के बारे में है, जो कि 1952 का मॉडल है। नियर बाय एक पर्सन है जो कि ओन करते हैं उस कार को, तो उसके बारे में आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो में जुड़े रहें, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और आपको कार भी दिखाऊंगा 1952 मॉडल जो कि वो। सो गाइज ये है हेरिटेज अमेरिकन डेसर्टो, ये विंटेज कार यहाँ पे खड़ी है हमारे। तो बेसिकली मैं छोटे होते हुए इसको देखता था, तो मैंने इसकी वीडियो बनानी चाही। और ये ओवरऑल इतनी लंबी है, आपको इसका ओवरऑल लुक देता हूँ। ये डसोटो मॉडल अंकल के पास 1976 से ओन करते हैं। इससे पहले फर्स्ट ओनर इस कार को जिन्होंने 1952 में परचेज किया था। सो ये बैक प्रोफाइल डसोटो मॉडल की, 1952 से 1976 ये कार अराउंड अबाउट 90,000 चली है। और सेकंड ओनर जो कि अंकल हैं, इन्होंने लगभग 40,000 चलाई है। सो आप सोच रहे होंगे कि इसकी ऐसी कंडीशन क्यों है। इसका रीज़न ये है कि जिन्होंने ये ठीक करनी है, जिन्होंने ये रिस्टोर करनी है, वो इनके बेटे हैं और वो कुवैत में जॉब करते हैं। ये इसका फ्रंट लुक, ये 1952 मॉडल है अंकल। और कितनी कितने इसमें सिलेंडर्स हैं? 400। अच्छा ये अमेरिकन डसोटो का लोगो। और ये अच्छा ये डसोटो लिखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये भी कंपनी ने उसी टाइम का ही इन्होंने रखा हुआ है, स्टॉक है ये। और ये भी इन्होंने चेंज नहीं किया है, ये बम्पर भी उस टाइम का ही लगा हुआ है। तो ये 4000 सीसी इंजन है इसमें, इसका इंजन ऐसा दिखता है। अभी ये चलती है, और मतलब 1952 का मॉडल है और ये चलता है, मतलब इसमें सिर्फ बैटरी डालने की जरूरत है। यहाँ पे इन्होंने बैटरी, यही है ना बैटरी कंपार्टमेंट निकाला हुआ है। और ये 4000 सीसी है, मतलब मैंने ये छोटे होते हुए देखी हुई है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनानी चाहिए। हेडलाइट चेंज की है, ओरिजिनल इंटीरियर है। हाँ जी ये देखो आप, इसमें ये इसका फ्रंट है, डैश वही स्टॉक है, मतलब अमेरिकन डेसर्टो है ये, तो बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है। और ये बैक साइड व्यू है, इसकी रूफ भी उस टाइम की ही है, ये बेसिकली ओपन आती थी अमेरिकन डेसर्टो ब्रांड की 1952 मॉडल। ये इसका फ्रंट पार्ट पैनल। सो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस टाइम का। और ये इसका ओवरऑल, ये अंकल ओनर है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं अभी इसको कुछ टाइम में इसको दोबारा अपग्रेड करेंगे। अच्छा ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। बम्पर भी ओरिजिनल है, इसकी मुक्कियां डिग पई हैं। अच्छा आगे लगी ना मुक्की? हाँ जी हाँ जी, यहाँ भी लगी हुई थी, गिर गई है इसकी। हाँ हाँ वो होती थी वो, हाँ गिर गई। ब्लैक कलर का यहाँ पे एक वो होता था, आपने देखा होगा अगर फेयर एम्बेसडर, तो यहाँ पे एक पैनल सा होता था जो कि बचाने के लिए होता था, ब्लैक कलर का। वो बोल रहे हैं कि टूट चुका है या हट चुका है, अभी इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको दोबारा से बनाएंगे। ये इन्होंने जब बाई की थी तो ये बेसिकली ओपन डेसर्टो थी,
बट बाद में इन्होंने इसको छत इसमें ऐड कर दी थी ताकि ख़राब ना हो। इसका ओपन करने का स्टाइल होता था उस टाइम पे, ये इसकी डिक्की बूट पैनल। सो ये 14 इंच का इन्होंने अपग्रेड करके लगाया हुआ है, पहले इसमें स्टील रिम आता था तो इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है इसको। 14 इंच का टायर है ये, और इसकी ब्रॉड बहुत ज़्यादा है, मतलब आप ब्रॉडनेस देखो इसकी। सो इसका लीवर ऐसे होता था उस टाइम पे, सेम जैसे एम्बेसडर फेयट एम्बेसडर पाल आती थी उसी टाइप का इसका भी ओपन करने का मैकेनिज्म है। अब ये ओवरऑल लुक है। अभी तक आपको चीज़ पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल में। और आपको इस विंटेज कार में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करो। ये देखो अंकल, सीट्स उसी टाइम की है कि? अच्छा सीट्स, देखो सीट्स इन्होंने चेंज की है, बाकी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ता है। ये इसका फ्रंट इंटीरियर। सो मेरे को एक चीज आपको दिखानी थी जो कि बहुत ही प्यारी सी होती है, ये चीज, ये अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, ये बॉक्स होता था, बॉक्स है इसमें सामान रखने के लिए होता था, ये अभी ब्लॉक्ड है। और जो बोल रहे गियर बॉक्स है, ये ट्रक का लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए आपका दिल से थैंक यू करता हूँ। ऐसे ही वीडियोस कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग राइड विद साहिल चैनल।